गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्लास के लिए उठे हैं। हैप्पी जन्माष्टमी है क्या? हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी। अब तो कुछ पता ही चल पाता है कब क्या फेस्टिवल। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वह जन्माष्टमी मेरा फेवरेट होता हुआ करता था एक टाइम पे, मेरे को बहुत पसंद था। ओके, गुड मॉर्निंग। तो LCM SCF का एक छोटा टेस्ट लिया था। हाँ, उसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी था। वो सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज, वो सरप्राइजिंग था। अब एग्जाम आपके जो हो रहे हैं उसमें इतना सरप्राइज दिया जा रहा है, तो थोड़ा वो सरप्राइज तो मेरी तरफ से बनता है, क्योंकि एग्जाम में अचानक क्या क्या सरप्राइज आ जाते हैं आप कम्पिटेटिव एग्जाम जो दे रहे हैं। तो इसलिए एक नया वो चीज़ डाल दिया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो कुछ स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा था उनको परेशानी हुई होगी, कोई बात नहीं, ये सब हैंडल करना है हमें। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो दूसरा, आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, अभी टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, तो अभी जो LDC का एग्जाम जो देने वाले हैं, दिल्ली का मौसम बहुत बढ़िया है, अभी तो सही है मौसम दिल्ली का, अभी तो ठीक है। आप लोग भी देख सकते हैं पुरानी जो वीडियोस थे, क्योंकि फैन तो अभी ऑन नहीं रहता, पुरानी वीडियो में कितना ज्यादा स्वेटिंग हो जाता था, अब तो ठीक है, तो दिल्ली का मौसम तो बढ़िया है। तो टॉपिक जो ले रहा है मेंसुरेशन, अभी टॉपिक लंबा है तो चलेगा अपना, पूरा एक वीक पूरा आराम से कवर करेगा। तो इसमें हम लोग पूरा 2D 3D सारा पढ़ेंगे, और इस पर खूब क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी जैसे आपका LDC एग्जाम है, या आगे हेड कांस्टेबल की अच्छी वैकेंसी आने वाली है, तो उस पर, या आपका दोबारा UDC फिर होगा और MTS होगा, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम जो SI मेंस लिखेंगे उनके लिए भी मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा लेंदी आएंगे उनके लिए क्वेश्चन। ठीक है, मतलब उसमें कैलकुलेशन अच्छी होगी, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से रहेगा, और जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रहेगा उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। थोड़ा सा ट्रिक घुमाया, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नहीं, फ्री क्लास कंटिन्यू रहेगा ही। देखो, मैं जो कोर्स लॉन्च किया गया है वो स्पेशल डिमांड पे लॉन्च किया गया है, जो यहाँ पे लाइव चल रहा है ये नहीं घटेगा, लेकिन जिन स्टूडेंट को थोड़ा ये है कि हमको फुल कोर्स चाहिए और प्रॉपर वे में, क्योंकि वही चीज है ना, अभी आगे और भी फैकल्टी उसमें अरेंज की जा रही है, उसमें GK की और भी फैकल्टी है इंतजाब सर के अलावा, तो वो सब रहेगा, इंग्लिश की फैकल्टी भी है। अब वो चीज देखिए, हम लोग जो अपनी तरफ से फ्री करा रहे हैं वो तो रहेगा ही, अब और फैकल्टी बुला रहे हैं तो उनको तो एक अमाउंट, वो भी दिल्ली में, तो एक अच्छा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए अब ये सिस्टम ही ना बंद हो जाए, कोलैप्स कर जाए, इसलिए तो एक अमाउंट डिसाइड किया गया है, वो भी अमाउंट भी बिल्कुल लीस्ट डिसाइड किया गया है, कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, लीस्ट अमाउंट, वो भी एक साल का पूरा कोर्स आपका है, कि एक साल में जितने भी एग्जाम एक साल में उस सारे एग्जाम की तैयारी की जाए। प्लस में एक चीज मैं आप लोग से थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ, और आप लोग का भी मेरे को सजेशन चाहिए। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अरुणाचल में अपने सेंट्रल लेवल के एग्जाम कम देते हैं स्टूडेंट, या तो कोचिंग के थ्रू प्रमोट नहीं किया गया, जो भी रीजन हो सेंट्रल लेवल के एग्जाम कम देते हैं। जैसे सेंट्रल के अच्छे एग्जाम्स आते हैं, जैसे आप बैंक के एग्जाम दे सकते हैं, SSC है, ये सब भी चीजें आपको देना चाहिए, तो ये सब भी हम लोग उस कोर्स में इंक्लूड करेंगे, कि जो सेंट्रल लेवल एग्जाम इसमें आएगा तो एक साल में जितने भी एग्जाम आएंगे उस टाइप से, जैसे मैंने आपसे बताया था, वो सारे एग्जाम वहां पे कवर कराए जाएंगे। तो किसी स्टूडेंट मान लो से तैयारी किया, अब कई टाइप के स्टूडेंट अपने हैं, मान लो कोई हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग वुमेन है, कोई वर्किंग मैन है, कि वो एग्जाम की तैयारी किसी उसने कोचिंग में ज्वाइन किया, अब जैसे एग्जाम आने लगा तो उसका एक्सटर्नल इतने इशू आ गए, जहां पे वो काम करते थे या घर पे कुछ पर्सनल इशू आ गए, अब वो एग्जाम में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाए, अब वो एग्जाम मालूम का नहीं निकला, अब वो कोचिंग भी कर चुके थे, अब दोबारा दूसरे एग्जाम के लिए, तो दोबारा कोचिंग ज्वाइन करेंगे वो,
अब दोबारा कोचिंग ज्वाइन करना साइकोलॉजिकल कितना प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन उनकी गलती तो नहीं थी। तो ये सब चीज नोटिस करके एक प्लान बनाया गया कि एक पूरे साल का कोर्स रहेगा, पूरे साल तक। ऐसा नहीं कि एक साल में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी एलडीसी एग्जाम आएगा तो एलडीसी सिलेबस एलडीसी एग्जाम के पहले तक कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी है। फिर एसआई मेंस आएगा तो जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो करा के उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस में टेस्ट सीरीज वो हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई दूसरा एग्जाम आएगा तो उसमें जो एडिशनल चीजें वो कराई जाएगी। अगर रीजनिंग आ रहा है तो रीजनिंग भी कराई जाएगी, ठीक है। तो आइडिया ये कि एक साल में एग्जाम निकले पक्का, एक नहीं तो दूसरा निकले, कॉन्टिन्यूस गाइडेंस दी जाएगी और एक साल इनफ होता है एग्जाम निकालने के लिए। तो वो उसका आइडिया है। ये जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, ये आपका चलेगा ही जो चल रहा है। ये वो जो चीज की जा रही है वो एक्स्ट्रा की जा रही है, कोचिंग घटाई नहीं जाएगी हम लोग की तरफ से, जो चल रहा है वो चलेगा ही। तो आइडिया ये कि भाई पैसों को लेकर किसी का कंसर्न ना आए तो उसे लिस्ट रखा गया, प्लस में क्वालिटी हिसाब से उसमें दी जाए, क्वालिटी उसमें कंप्रोमाइज ना हो कि एग्जाम निकले। मेन मकसद सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, मेन मकसद एग्जाम निकलवाना है, प्लस में सेंट्रल लेवल के एग्जाम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि सेंट्रल वाला कोई एग्जाम है तो वो भी वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी आप लोगों को प्रमोट करेंगे हम कि वो भी दो आप। क्योंकि अगर आप सेंट्रल लेवल एग्जाम दोगे तो स्टेट लेवल के एग्जाम में थोड़ा कम प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि स्टेट की कुछ वैकेंसीज हैं उसमें सब लोग स्टेट के ही देंगे, तो आप खुद सोच के देखिए प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम आते हैं उसको भी प्रमोट करेंगे कि उसको भी आप दो। तो ये थोड़ा सिस्टम चेंज करना है हमको, क्योंकि कोचिंग वालों ने क्या बना दिया कि क्रैश कोर्स निकालते हैं, आप दो महीने तैयारी करते हो, दो महीने में आपको जब मजा आना स्टार्ट होता है कोचिंग बंद हो गई, एग्जाम आ गया, मजा आना आपको स्टार्ट ही होता है। तो एक साल इनफ होता है, फिर आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो अगर आप डेडिकेटेड में तैयारी कर रहे हो। तो पूरा ये है। नहीं, इंग्लिश की एक इंग्लिश के देखिए वही बात है ना कि इसीलिए तो हम लोग थोड़ा सा एक चार्ज रखे इंग्लिश ना, मैं पढ़ाऊंगा इंतजार से पढ़ाएंगे। इंग्लिश की एक अलग फैकल्टी हायर की गई, उसमें भी तीन चार थे, उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट किए, फिर उन्हें एक फाइनलाइज किए। तो हर एक क्वालिटी हम लोग जैसे अभी तक दिए हैं और बेस्ट क्वालिटी देना है। जैसे 2000 क्वेश्चन का मैंने बोला है, 2000 क्वेश्चन का डिस्कशन का एक वीडियो भी रहेगा, 2000 क्वेश्चन लगातार चलेंगे क्वेश्चन आपके, उसके लिए अलग फैकल्टी बुलाई गई है। तो सारी चीजें अब एक प्रॉपर टाइपिस्ट बुलाया गया जो टेस्ट सीरीज अपनी फ्रेम करेगा, क्योंकि वो भी काम हम लोग करते हैं तो फिर उसमें टाइम बहुत चला जाता है। तो सारी चीज हिसाब से कि एग्जाम निकलना चाहिए, ना कि ये कि सिलेबस कैसे भी कंप्लीट कराना है, एग्जाम निकलना चाहिए उसी अमाउंट में। तो ये जो फ्री चल रहा है ये बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ उसमें ज्यादा फैकल्टी इन्वॉल्व है, ज्यादा उसके हिसाब से इन्वॉल्व है। तो वो अगर किसी को रिविजन फिल करना है तो ये इनफ है, अगर किसी को रिवीजन केवल करना है तो ये इनफ है, मैं गारंटी ले रहा हूं इससे आपका हो जाएगा अगर आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से। और वो चीज क्या है कि एक हेल्पिंग हैंड है, कि मान लो आप कहीं कोचिंग भी ज्वाइन किए हो फिर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कि मान लो आपका कोई कोचिंग ज्वाइन किए आपका पॉलिटी छूट गया तो वहां पर आप पॉलिटी अटेंड कर लो, हेल्पिंग हैंड है वो। और टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल रहेगी, रिकॉर्डेड भी रहेगा, प्लस में हमारा खुद नॉर्थ ईस्ट पीएससी का ऐप बन रहा है, उस ऐप में ही क्लासेस होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हाँ वही चीज है ना, आप स्टेट के अलावा और भी सेंट्रल लेवल की भी वैकेंसीज पे आप लोग फोकस करेंगे और ये मेरी गारंटी है कि मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडी है, मेंसुरेशन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें फॉर्मुलेज हैं, खूब सारे फॉर्मुले हैं, लेकिन सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे तो फॉर्मुले बहुत बढ़िया आपको समझ में आएंगे, सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मुले को एक बार कंपाइल करते चलेंगे एक साथ, मतलब एक साथ रखेंगे, चाहे तीन चार पेजेस आपके वो A4 शीट्स होते हैं वहां पे कंपाइल कर लेंगे फॉर्मुले को, क्योंकि इसके फॉर्मुले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुले माइंड में इसके क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा। मैं आपको थोड़ा इसका सिलेबस का आइडिया दे दूं, मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है ट्रायंगल, सबसे पहले आता है ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन सबके एरिया वगैरह सब चीज पढ़ेंगे। फिर इसमें आता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पूरा इसमें पढ़ना है हमको। फिर आता है इसमें सर्कल, सर्कल के बारे में पूरी चीजें इसमें पढ़नी है सर्कल। फिर सर्कल ट्रायंगल कभी कभी रिलेट भी कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा इन सर्कल बोलते हैं इसको, ये सब चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाता है क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल, ठीक है, ये अब कंप्लीट हो गया। तो ये आपका 2D में आता है, 2D, टू डायमेंशन, ये आता है टू डायमेंशन, टू डायमेंशन जिसमें दो ही साइड हो।
वही चीजें सिस्टमैटिक वे से पे, यहाँ पे रिवीजन क्लास प्रॉपर चल रहा है कि आपका ऑलरेडी हो गया है तो रिवीजन क्लास है, वो कोर्स जो है वो एक सिस्टमैटिक वे से वो है। यहाँ पे कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पे वही है, प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व हम ही दो लोग हैं, वहां पे और भी फैकल्टी इन्वॉल्व है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद 3D फिगर्स। 3D क्या होता है? जहां पे 3 डायमेंशन इन्वॉल्व हो, 3 डायमेंशन इन्वॉल्व हो तो 3D फिगर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, 3D फिगर्स में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग? तो सबसे पहले होता है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये पढ़ेंगे। फिर आप क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर। फिर क्या पढ़ेंगे आप? कोन। फिर क्या पढ़ेंगे? स्पेयर एंड हेमिस्फेयर, ये पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये आपका 3D फिगर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2D, ये 3D। इस सिलेबस अपने एक जगह पर लिख लो कहीं पे। ये मेंस्ट्रुएशन माइंड क्लियर होना चाहिए क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग एरिया, यहाँ पे एरिया पैरिमीटर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3D फिगर्स है तो वॉल्यूम भी होगा। जैसे आपका रूम है तो रूम में एक वॉल्यूम भी होगा, रूम में आप सामान रख सकते हो, वॉल्यूम है। जब आपका रूम नहीं बना होगा, नीचे केवल जमीन होगी, तो वो आपका एरिया था। केवल प्लॉट होगा, नीचे की जमीन बना नहीं होगा, तब आपका क्या होगा? वो आपका क्या होगा? आपका नीचे एरिया होगा। अभी क्या है? ये वॉल्यूम हो चुका है, जब बन चुका है तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका इसके रिगार्डिंग सिलेबस है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक वे से, ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल में सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रायंगल के रिगार्डिंग क्या होता है कि 3 साइड होती है इसकी, 3 साइड से जो एक क्लोज फिगर बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्लोज फिगर, जो क्लोज फिगर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। 3 साइड क्लोज फिगर तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। 3 साइड क्लोज फिगर ट्रायंगल हो जाएगा। फिर जैसे यहां पे मैंने क्या किया, वर्टेक्स डिसाइड कर दिए, ए, ये बी, ये सी। ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी। अब इस पे एक सबसे इजी क्वेश्चन एक मैं लेता हूं, लेकिन हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, वो LDC जैसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। कि जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इसका रेशियो गिवन दे दिया मैंने, रेशियो एंगल ए एंगल बी एंगल सी का रेशियो है 1:2:3। एंगल ए एंगल बी, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये दोनों थ्योरी का पार्ट हो गया कि एंगल का सम कितना होता है 180। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी का रेशियो कितना है 1:2:3। आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, लार्जर एंगल्स में क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा इसमें, सबसे बड़ा एंगल इसमें क्या होगा? एंगल का रेशियो कितना गिवन दिया है? 1:2:3। अमा यार जंपिंग सिलेबस, वहां पे भी आपका मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेंसुरेशन मैंने स्पेयर थोड़ी स्टार्ट कर दिया, मेंस्ट्रुएशन मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया ना, वहां पे भी सिलेबस आपका तो ऐसे ही आएगा ना। अभी ये रिवीजन क्लास चल रहा है, समझो तो बात को, इसलिए तो पूरा एक्सप्लेन किया। रिवीजन क्लास चल रहा है, ये रिवीजन जो लोग कर चुके हैं उनको रिवीजन करा रहा हूं मैं, रिवीजन टाइप से, हालांकि यहां पे करा रहा हूं डिटेल से ही, इसमें भी रिवीजन चला रहा है कि ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक उस हिसाब से फ्रेम किया गया है कि जिसको जीरो से सीखना है कि उसको पूरा वो मिलेगा, सिंपल है, समझो इसको। अब प्लीज इसमें कंसंट्रेट करो, नहीं तो ये चला जाएगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। नहीं तो आपको एंगल बताना है, एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 3x नहीं जी, 3x तो ठीक है, 3x तो आपने एज्यूम किया, एंगल की वैल्यू बतानी। चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं। थर्टी डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, चार ऑप्शन है आपके पास।
30 ग्रेटेस्ट एंगल, एंगल सी, अरे उसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू चलो मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। क्या गेम खेल रहे हो यार, कोई 3x बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, यहां वैल्यू बतानी है, जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू 60 नहीं होगा जी, 60 गलत हो गया, ग्रेटेस्ट एंगल उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाँ 90 करेक्ट है सर, 90 करेक्ट। 30 आपका एक्स की वैल्यू आ रहा होगा, चलो एक बार ट्राई कर लो फिर तो मैं तो डिस्कस करूंगा ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी 90 डिग्री करेक्ट आंसर। हाँ जी देखो मैं आपसे बोला था कि जब भी आपको रेशियो गिवन दिया जाए, क्या दिया जाए, रेशियो गिवन दिया जाए, तो आपको क्या करना है कि वो वैल्यू निकालनी है, तो सीधे आपको क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता है यहां पे ए बी सी जो एंगल है इनका रेशियो कितना है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी रेशियो कितना है, 1:2:3। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 1:x कितना हो जाएगा, x। एंगल बी कितना हो जाएगा, 2:x कितना, 2x। एंगल सी कितना हो जाएगा, 3:x। एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आपने सीखा है कि सारे एंगल का सम 180 होता है, तो भाई x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। जब सारे एंगल का सम 180 होता है तो हमने तीनों का सम कर दिया, इक्वल टू 180 कर दिया। ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एन ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, और 3x प्लस 3x कितना हो गया, 6x। तो 6x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, इसको कट किया कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 आई है, x की वैल्यू 30। हम आपसे पूछे ग्रेटेस्ट, तो देखो सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा, x, तो मतलब 30 हो गया, ये हो गया 2x, तो 2:30 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब ये आपका नेक्स्ट वाला है, 3:30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा तो यही है 90 डिग्री वाला, सबसे बड़ा यही है 90 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट एंगल कितना हो गया, थर्ड वाला कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे बनेगा यहां पे, बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, जहां जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो मैं सब कराता चलूंगा, जहां जहां से बनने की पॉसिबिलिटी है, जहां जहां से लगता है मेरे को क्वेश्चन बन सकता है वो सब करा दूंगा। तो कुछ लोगों का गलत हुआ था, अब बताओ जल्दी से, ये समझ में आया या नहीं आया, कुछ लोगों का गलत हुआ था, अब समझ में आया कि नहीं आया, नाउ ओके आगे बढ़े। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन इसमें। दूसरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, दूसरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल एबीसी गिवन दिया है, मान लो उसने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये 40 डिग्री गिवन दिया है और ये उसने गिवन दे दिया 75 डिग्री, कह रहा है एंगल सी बताइए कितना होगा, एंगल सी बताइए कितना होगा, जल्दी से कमेंट कर बताओ एंगल सी कितना होगा। सेकंड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अब यही होता है पकड़ना, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहते हो तो बिल्कुल पहले बेसिक से चलो, आपको जब बेसिक से चीजें समझ में आने लगेंगी तब धीरे धीरे माइंड में इवॉल्व होगा कि अच्छा ये चीजें ऐसे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, सबसे पहले ट्रायंगल में क्या सीखा वो हम करेंगे, वो जब आ जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे में चलना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए एंगल सी कितना है, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर, सब लोगों का आंसर ही आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वाला आंसर। कैसा जी 75 होगा आपका, 75 होगा कि 65 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपसे।
ठीक है 170। अरे भाई साहब एक मिनट इनका फोटो खींचो, आप नए तो नहीं है, नए तो भी कोई बात नहीं, माफी है आपको, नहीं तो इनका फोटो खींचिए। 170 पृथ्वी पलट के गोल गोल घूम के फिर पृथ्वी आ जाएगी रक्त अंदर। 170 हाँ 65 करेक्ट आंसर। ओके चलिए सिंपल है, सी नहीं पता कोई बात नहीं, बाकी तो पता है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना है 180। एंगल ए कितना है 40, एंगल बी कितना है 75, एंगल सी नहीं पता मेरे को, कोई बात नहीं, इक्वल टू कितना 180। सिंपल बिल्कुल ठीक है। चलिए अब 40 प्लस 75 कितना होगा, तो 4 प्लस 7 कितना होता है 11 और ये 5 तो 115 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, इसको माइनस करते हैं 10 में 5 गया 5, 7 में 1 गया 6, तो 65 डिग्री आपका आंसर आ गया। 65 डिग्री आंसर, 65 डिग्री आंसर, हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए आपने पूरा सॉल्व भी कर दिया, बिल्कुल सही। तो ये बेसिक दो क्वेश्चन हो गया है ना, बेसिक यही बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से। ये यहां तक क्लियर हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब ट्रायंगल को क्लासिफाई कैसे करेंगे, बांटेंगे कैसे, है ना। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ट्रायंगल के टाइप कैसे होंगे, तो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन में भी हमको देखना है दो टाइप से। देखो ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं, एक होता है साइड और एक होता है एंगल, ठीक है। ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं। तो पहले हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ साइड, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ साइड, साइड के बिहाफ पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ साइड, ऑन द बिहाफ ऑफ साइड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइड के बिहाफ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 120 डिग्री, बिल्कुल सही है। और एक्सटीरियर का भी सम 180 होगा, एक्सटीरियर का, उसे भी अभी बीच बीच में एक दो क्वेश्चन करा दूंगा मैं, वो भी चीज क्लियर करा दूंगा। अभी मैं बिल्कुल इजी वे में लेकर चल रहा हूं कि किसी को बिल्कुल ट्रायंगल का जीरो नहीं आता था, गारंटी है जीरो से हीरो बनाने वाली सीरीज है ये, जीरो से हीरो, कि फिर कोई भी क्वेश्चन आप करो, कहीं का भी क्वेश्चन उठा करो, सब बन जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ साइड, ठीक है, साइड के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन कैसे होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है अभी बताएंगे, एक्सटीरियर एंगल, अभी टेंशन मत लीजिए, एक्सटीरियर एंगल मेरे माइंड में है ना। अभी जब मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको डिफिकल्टी आप एडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, फिर मैं उन चीजों को लूंगा, डोंट वरी, बाद में सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो। हाँ जी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दो चीज होती है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दो चीजें, दोनों डिस्कस करेंगे ट्रायंगल, तब ट्रायंगल फिनिश होगा। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी दोनों चीज डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसमें तीनों साइड ये एक ही लाइन बनाई है, तो एक साइन है बताने का कि ये भी तीनों आपस में बराबर हैं। तो तीनों साइड जिसकी बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड जिसकी बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल होता है 180 डिग्री, और तीनों एंगल बराबर हैं, तो आपको बताना है कमेंट करके कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा। मैं इंग्लिश कोचिंग ले लूं, अरे आई एम जीरो स्टूडेंट बोल दिया, कोई बात नहीं यार, चलता है इतना, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, कोई नहीं। यहाँ पे बहुत ग्रामर वाले टीचर हैं, मैं उनको हायर कर लूंगा, उनको यहाँ पढ़वाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, आप बिंदास लिखो, कोई सुनाई है। चलो हाँ,
तो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बताना है कितना होगा, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है कितना होगा, ठीक है 60, ठीक है तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों जब बराबर हैं तो तीनों सेम सेम होंगे, तो 60 60 60 ईच एंगल, ये एलडीसी में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था पहले, 60 60 60 तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180, तीनों एंगल आपके बराबर है, तीनों साइड बराबर है तो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया, तीनों साइड को ए बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी एक फिगर, कोई भी एक फिगर उसकी जो भी बाउंड्री है ना, तो उस बाउंड्री की लेंथ कितनी है वो पेरीमीटर होता है। जैसे आपने मान लो आपको कल को आप ऑफिसर बन गए, खूब पैसा आपके पास आ गया, ऑफिसर बन गए, खूब पैसा, अच्छी फीलिंग आ रही है, खूब पैसा आ गया। अब आपने कहा मेरे को बंगला बनवाना है, अब आप जगह देखने गए पहले, तो जो आपने जगह देखी, मान लो ये आपने जगह देखी, ये प्लॉट, तो ये जो जगह जो बाउंड्री है इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर उसकी जो भी बाउंड्री है जहां से वो फिगर कवर्ड है ना, उसकी उसको आपको क्या करना है, मेजर करना है, वही हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो ये ए, ये ए, ये ए, तीनों को प्लस करो कितना हो जाएगा 3a, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस a कितना हो गया 3a। तो पेरीमीटर कभी आपको याद नहीं करना है किसी का, सिंपल माइंड में क्या फिट रखना है कि जो भी बाउंड्री होगी उस बाउंड्री को प्लस कर देना है, तो a प्लस a प्लस a कितना हो गया 3a, ठीक है। चलो अब बाहर आ जाओ वहां से, उस इमेजिनेशन से कि बंगला हमारा बन रहा है, बाहर आ जाओ, अब पढ़ाई करते हैं तभी बन पाएगा। चलिए अब एरिया, एरिया क्या होगा, ठीक है ना, एरिया क्या होगा, तो एरिया का इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, ये होता है एरिया, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, ये होता है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3a, एरिया क्या होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। जल्दी इसको लिखिए फिर एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन करें, रेडी, चलिए अब एक इस पे क्वेश्चन लेते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन आपको इस पे पहले करेंगे ताकि आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बिल्कुल आ जाए आसानी से। अब मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन में ले रहा हूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर गिवन दिया है, पेरीमीटर उसका पेरीमीटर जो है, उसका पेरीमीटर जो है वो है 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का ही साइन होता है, ये ट्रायंगल का साइन होता है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है, ठीक है। पेरीमीटर कितना गिवन दिया है 12 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है, एरिया कितना हो गया। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलो कि अगर पेरीमीटर गिवन दिया है आपको, पेरीमीटर गिवन दिया है तो यहां से साइड बताओ, पहले साइड कितनी आएगी, पहले साइड कमेंट करो, साइड कितनी आएगी, पेरीमीटर गिवन दिया है तो साइड कितनी आएगी वो कमेंट करो, साइड कितनी आएगी 4√3, करेक्ट है, करेक्ट है। बाकी जो लोग जिनको थोड़ा परेशानी हो रही मेरे साथ चलो, पहले पेरीमीटर गिवन दिया है, साइड बताओ मेरे को साइड कितनी आएगी, हाँ साइड 4, बिल्कुल करेक्ट है, साइड 4 बिल्कुल करेक्ट है। आज तो कोई लोड पोर्ट भी नहीं होगा, हमने टॉपिक लोड पोर्ट वालों के हिसाब से लिया है, बेचारे तब से लोड पोर्ट हो रहे थे, अपने जहां पे लोड पोर्ट हो रहे थे उसका पूरी जाने कितनी बार एरिया कैलकुलेट कर लिए थे वो,
यहां से पढ़ना स्टार्ट करते थे, लेटे लेटे गोल गोल घूमते 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 फिर वहीं आ जाते थे। जाने कितनी बार एरिया कैलकुलेट किए, वो उनका फेवरेट टॉपिक है आज। सम्मान दे रहे हैं उनको, लोटपोट होने वालों को। आज तो बोल दो। हाँ, साइड कितना है? 4 करेक्ट है। कैसे? कि पेरीमीटर क्या होता है? 3a। तो 3a इक्वल टू कितना? 12। तो a कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। मैक्सिमम लोगों का आ चुका है, जो लोग आंसर देना चाहते हैं उनका। जो लोग कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हैं तो कहां से आंसर दे दे बेचारे, उनकी क्या गलती है बताओ? कोई गलती है उनकी? चलिए, अब एक चीज में याद रखिएगा, जो सब्जेक्टिव एग्जाम देने बैठेंगे, इवन ऑब्जेक्टिव वाले भी, क्योंकि यूनिट में फंसा देता है कभी कभी। ऑप्शन देगा एक 4√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ऐसे दे देगा वो, मान लो उसको ऑप्शन उसको रखना होता ऐसे दे देगा, कि एक दे देगा 4 सेंटीमीटर, दूसरा दे देगा 4√3 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दे देगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड चौथा दे देगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने ऑप्शन में फंसा दिया यहां पे। जो कोई जल्दबाजी में उसने 4√3 यहां पे देखा, इसको टिक कर दिया, तो घर आके अपने बाल नोचेगा, क्योंकि ये गलत हो चुका है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये करेक्ट आंसर है, ये गलत हो गया है ना। तो इसलिए यूनिट का गेम बहुत होता है, यूनिट का गेम बहुत होता है मेंसुरेशन में, यूनिट का गेम। तो वो ऑप्शन में ऐसे भी फंसा सकता है जल्दबाजी में आपको, 4√3 सेंटीमीटर रख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया, आप जल्दबाजी में इसको करेक्ट कर दिए, बस फिर क्या था? बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलता है, जग सुना सुना लगे, कोई ना लगे अब अपना, वही बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा घर में। तो याद रखना है कि अगर लेंथ बोले, ब्रेथ बोले, मैं सब लिख देता हूं, ठीक है, और कोई भी साइड बोले और डायगोनल बोले, डायगोनल एक चीज होती है, इनकेस नई आइडिया मैं बताऊंगा, डायगोनल बोले, पेरीमीटर बोले, कितनी चीज हो गई? लेंथ, ब्रेथ, साइड, डायगोनल, पेरीमीटर, यहां पे एक और चीज बोल देता हूं, रेडियस, रेडियस, इन सब की यूनिट जो होगी वो होगी सेंटीमीटर या मीटर, ये यूनिट होगी। अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, यहां पे स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, केवल ऐसा होगा सेंटीमीटर या मीटर, मिलीमीटर मतलब स्क्वायर नहीं होगा, अगर ये चीज लिखा है, ठीक है। इसको कहीं जगह लिख लो, क्योंकि यूनिट में बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसको एक जगह पे लिख लो, ठीक है। फिर जैसे उसने बोल दिया एरिया, एरिया, या उसने बोल दिया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, मतलब जो भी वर्ड आपको दिख जाए ऐसे, है ना। फिर मैं अभी 3D पे आता नहीं हूं, 3D पे होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उस पर नहीं आ रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर ये एरिया वर्ड यूज कर दिया, तब आप यूनिट क्या लेके चलोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे क्या लग जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, या चलो एक और ले लेते हैं मिलीमीटर, mm होता है मिलीमीटर, या मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया में यूनिट क्या लिखना है? स्क्वायर, ठीक है। और अगर वॉल्यूम आ गया, अगर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आप यूनिट क्या लेके चलेंगे? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, आप वॉल्यूम में ये लेके चलोगे, ठीक है। तो यूनिट को पकड़ के चलना, तो यहां से यूनिट का गेम आपका खत्म। लेंथ अगर गिवन दिया है, आप यूनिट क्या लोगे? सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर। ब्रेथ है तो उसको भी ये लेना है, सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर, ठीक है ना। फिर रेडियस, वो भी आपका इसी में आ जाता है, वन डायमेंशन, ये सारे वन डायमेंशन है। साइड भी वन डायमेंशन, डायगोनल, डायगोनल भी वन डायमेंशन है, और पेरीमीटर, पेरीमीटर जो बाउंड्री का लेंथ है, वो भी आपका वन डायमेंशन होगा, उसका भी यूनिट ये लेके चलना है, ठीक है। तो यूनिट में गड़बड़ी मत करना, क्योंकि ये यूनिट में गड़बड़ी में क्या होता है, वही चीज कि आपने बढ़िया 2 घंटे चिकन पकाया, बढ़िया गए बाहर आउटिंग करने, 2 घंटे चिकन पकाया, फिर आपका छोटा भाई आया, उसने पानी डाल दिया उसमें, चिकन में खत्म,
टाटा बाय बाय गया। वही चीज यहां पे है कि पूरा क्वेश्चन निकाले, यूनिट के चक्कर में क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए। ऐसे लोग घर आके अपने आप को पीटते हैं फिर मारते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप लोग यूनिट हमेशा याद रखना, यूनिट का कहां पे क्या यूज करना है। तो आई होप ये चीज बिल्कुल 100% क्लियर हो गई होगी। इसको रफ करते हैं अब, क्योंकि छोटे जो आपका एग्जाम होता है, छोटे एग्जाम कहने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि छोटी पोस्ट है, जहां पे टाइम कम होता है क्वेश्चन ज्यादा, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तो वहां पे थोड़ा सा वो ये देखते हैं कि पर्सन क्विक रिएक्शन कैसा है उसका, ऑप्शन में उसको क्विक यूज करेगा वो, कि जो स्मार्ट होगा वो जल्दी आंसर निकालेगा। चलिए यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या है बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक वर्ड है मीडियन। क्या वर्ड है? मीडियन, मीडियन एक वर्ड है मीडियन, ठीक है, और एक दूसरा वर्ड है परपेंडिकुलर, दूसरा वर्ड है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, या इसको एल्टीट्यूड बोल सकते हैं कि वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, ये ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, जो एल्टीट्यूड और मीडियन ज्योग्राफी समझ लो, मैथ ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग बहुत आलसी लग रहे हैं आज मेरे को। अच्छा, संडे का इफेक्ट है, ओ तभी ये मैं सोचूं कितना आलस क्यों आ रहा है आप लोगों को, सब दिखता है यहां से, संडे है तभी आज ज्यादा लोग लोटपोट हो रहे हैं, संडे में खूब लोटपोट हुए होंगे। तो वही चीज न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर आप रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहना चाहेंगे, मोशन में हैं तो मोशन में रहना चाहेंगे, इसीलिए कम रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आलस ज्यादा आ रहा है आज भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मीडियन क्या होता है कि आप, ये है एक साइड, इसके ऊपर एक वर्टेक्स है, ठीक है, यहां से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस साइड के मिड पॉइंट से होके जाए, या इस साइड के मिड पॉइंट को मीट करे, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब जो इस दोनों के बीच में हो, वो मीडियन होता है। तो मैंने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ किया। तो मीडियन मतलब क्या, कि सामने वाली साइड को मीडियन क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मीडियन क्या करेगा, जिस पॉइंट से मीडियन जाएगा, जिस पॉइंट से मीडियन जाएगा वो सामने वाली लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये दोनों को उसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम सामने वाली साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लो अगर ये 10 है, सपोज करिए 10 है, तो जो मीडियन होगा, ये मीडियन, ये क्या है आपका मीडियन, ये क्या होगा मीडियन। तो इसने क्या कर दिया अपना काम, कि इसने 5 और ये 5, 5 और 5 में इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, क्लियर, 5 और 5 पे ब्रेक कर दिया, ये मीडियन का काम होता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है कि जो मीडियन होगा ना, जो मीडियन होगा वो 90 पे भी कट करेगा। जो मीडियन, देखो मीडियन का काम क्या था, कि सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बांटना, ये मीडियन का काम था। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है, कि जो मीडियन होगा वो इसको 90 पे भी कट करेगा। मीडियन जो होगा इसको 90 पे भी कट करेगा, तो 90 पे भी जो कट करेगा, तो ये क्या हो गया, ये एंगल 90, ये भी 90 हो गया। अब ये बात समझने वाली है, मीडियन का काम क्या होता है, उसको इक्वल पार्ट में ब्रेक करना, बाइसेक्ट करना, या मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मीट करे, ठीक है ना, मिड पॉइंट क्या होता है, बीच वाला पॉइंट, वहां मीट करे, ये मीडियन का काम था। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होगी वो 90 पे भी कट करेगी, ये एक्स्ट्रा मिल गया, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये चीज याद रहेगी, ये चीज याद रहेगी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, 90 पे भी कट करेगी, इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 4, जिसकी साइड क्या है 4, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है 4 है, आपको बताना है
ये पॉइंट मैं देता हूं डी, तो आपको बताना है जो एडी है इस एडी की लेंथ क्या होगी, ये बताना है। ये जो एडी है आपकी मीडियन, इसकी लेंथ क्या होगी ये बताना है। जब मैं कोटा में था, मैं आईटी तैयारी कर रहा था, तब मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, देखी थी मैंने। मुझे लगा कि आईटी छोड़ते हैं यार, ये भी एक अच्छा काम है, सम्मान भी है और पैसा भी ठीक था, लाइफ का रिस्क है। लेकिन रिस्क तो हर जगह लाइफ का है, आप लेटे हो पंखा गिर गया मर गए, रिस्क तो उसमें भी है। मुझे भी लगा यार काम ठीक है ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला, लेकिन बाद में कहा हटाओ रहने दो, अब इतना दूर निकल आए हैं इस चीज में तो यही कर लेते हैं। एडी कितना होगा बताना है, एडी अंडर रूट 12, बिल्कुल सही, अंडर रूट 12 बिल्कुल सही। बाकी लोग इनका आंसर देख के वही कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही अंडर रूट 12। एडी कितना है, अंडर रूट 12 थ्री, हाँ टू रूट थ्री भी सही है, टू रूट थ्री, थ्री गलत है उसको, हाँ टू का पेयर वो बाहर निकला है, टू रूट थ्री बिल्कुल सही है। हाँ इतना आज आलस आ रहा है यार, मतलब हद हो गई यार, क्या कर रहे हो, वो सब भूल गए 50,000 रुपए वो बंगला वो सब भूल गए, मतलब इतना आलस है यार, मतलब 50,000 तो मैं ऑनलाइन लिख रहा हूँ, मतलब इससे नहीं लिख सकता मैं, मेरी भी कुछ अब रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं ऑनलाइन क्लास की वजह से, बाकी आपको पता है मतलब पढ़ ही नहीं रहे यार। टू रूट थ्री सही है, रूट 12 बिल्कुल सही है। रूट 12 ठीक है, चलो चलो। कई लोग ऐसे हैं बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, वो पूरा मेरा इंतजार करते हैं कि सर कब लिखेंगे तब हम आगे लिखें, भले उनको आता हो, सम्मान है उनकी तरफ से मेरे लिए, पहले आप फिर हम, तो उनके लिए अब मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो अगर हम 2+2 भी लिखेंगे तो वो पहले वेट करेंगे, पहले सर 4 लिखेंगे, सर का सम्मान है फिर हम 4 लिखेंगे, कोई बात नहीं उनको आता है, लेकिन ये मेरे को पता है। चलो अब ये आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो इसको मैंने को निकालना, इसको मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x, ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि जो मीडियन होता है वो आपका क्या होगा 90 डिग्री पे, तो 90 भी हो गया। अब आपको फोकस करना है इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे फोकस करना है, इस ट्रायंगल पे फोकस करना है आपको, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में क्या है, ये 90 है और 90 के सामने ये साइड है जिसकी लेंथ है 4, ठीक है। अब ये नीचे 4 था लेकिन ये बाइसेक्ट करता है तो ये कितना बचा, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा, तो ये 4 ये 2 ये x, तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी एक होती है, चलो मैं आगे डिस्कस करना था लेकिन यही डिस्कस कर लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है और देखने में बड़ी लग रही है, 90 के सामने वाली साइड देखने में भी इन दोनों से बड़ी लग रही है, 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, उसका जो स्क्वायर होगा, तो जैसे 90 के सामने वाली साइड कौन है 4, तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो ध्यान समझिएगा वो बाकी बची साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो बाकी बची साइड कौन 2 और x, इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इनके स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इनका सम तो प्लस कर दिया इसके बराबर है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, क्या दिक्कत है, नहीं नहीं क्या दिक्कत है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस में x स्क्वायर,
फोर को यहां बुला लो, यहां पे ऐसे नहीं आएगा, प्लस है तो इसको क्या देना पड़ेगा, माइनस का झुनझुना। तो 16 में 4 गया कितना, 12, 16 में 4 गया कितना 12, तो 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x कितना हो जाएगा अंडर रूट 12, x क्या हो जाएगा अंडर रूट 12, ठीक है। अब अंडर रूट 12 को कुछ लोगों ने दूसरी चीज लिखी है, उसको देख के आपको ऐसा नहीं कि आप घूर घूर के देख रहे हैं उन्होंने क्या लिख दिया, ऐसा कोई भयानक चीज उन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने क्या किया 12 को फैक्टर कर लिया, तो 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 कितना होता है 4 × 3 कितना 12, तो 12 को इन्होंने क्या लिख दिया 2 × 2 × 3। अब अंडर रूट का मसला क्या है कि जैसे कोई पेयर दिखेगा इसको, पेयर क्या दिखेगा, पेयर, पेयर से ये एक को बाहर फेंक देता है, एक को बाहर फेंक देगा, तो 2 बाहर आ गया, अंदर ये बेचारा अकेला था, कोई पेयर नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर था ये, तो ये अकेले रह गया अंदर, 2√3 आपका आंसर आ गया, 2√3 आंसर आ गया। तो 2√3 बोल दो या अंडर रूट 12 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑप्शंस में अगर 2√3 है तो आपको 2√3 लिखना चाहिए। तो अब मेरे हिसाब से जो लोग लोटपोट भी हो रहे थे, एक आंख उनकी बिस्तर में दबी थी, एक आंख से केवल फोन देख रहे थे, मतलब टैलेंट है, मतलब उनको भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आपने एक आंख से भी देखा है तब भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी वे में समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी हो गई समाप्त, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे दूसरे ट्रायंगल पे, होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल स्पेलिंग अपने रिस्क पे लिखेंगे, गलत हो सकती है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है, अपने रिस्क पे लिखेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट कोई गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो, तो जैसे मान लो ये इसके बराबर है, बस AB इक्वल टू AC, जहां पे दो साइड बराबर हो, तो जैसे AB इक्वल टू AC, दो साइड बराबर है, तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जिसकी दो साइड आपस में बराबर हो, ठीक है। अब एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से जो बढ़िया कुर्सी मेज में बैठ के पढ़ रहे हैं या लोटपोट होकर पढ़ रहे हैं, दोनों लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई बात नहीं, दोनों लोग ध्यान सुनिएगा, सुनने में क्या दिक्कत है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि जो बी एंगल है 70 है, बी एंगल 70 है, तो आप लोग बताइए एंगल सी कितना होगा। अगर बी एंगल 70 है तो आप लोग बताइए एंगल सी कितना होगा। अगर बी एंगल 70 है तो एंगल सी कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि क्या है कि AB के सामने वाला एंगल कौन है, AB के सामने एंगल सी, और AC के सामने एंगल कौन सा है, बी, और बी और सी क्या है, बराबर, बी और सी क्या बराबर है, तो अगर बी 70 है तो सी भी क्या होगा, 70 होगा, बिल्कुल सही है। अब मेरा क्वेश्चन, ठीक है ना, अब ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन वो ऐसा देगा, क्वेश्चन वो ऐसा देगा कि मान लो उसने एंगल बी गिवन दिया 70, वो कहेगा एंगल ए बताओ, एंगल ए बताओ, सबसे बेसिक क्वेश्चन में ले रहा हूं पहले मैं, एंगल बी 70 दिया, एंगल ए बताए, 40 कहां से आ जाएगा जी, आप आगे वाला क्वेश्चन अभी बता दिए, हो सकता है भाई आपको फ्यूचर दिखता हो, ठीक है ना। अब कुछ जनता जो होगी फंस सकती है इसमें कि एक ट्रायंगल में पहले दो एंगल देना पड़ेगा उसको, तभी निकाल पाएंगे, लेकिन आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, एंगल बी गिवन दिया है, पूछ रहा है एंगल ए बताओ कितना होगा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा,
एंगल बी गिवन दिया है, पूछ रहा है एंगल ए कितना होगा, बताइए एंगल ए कितना हो जाएगा। हाँ ए कितना हो जाएगा 40 डिग्री। हाँ ए 40 डिग्री, बिल्कुल सही, एंगल ए 40 डिग्री, ठीक है। ऐसे पूछेगा वो, बी गिवन देके ए पूछेगा। तो आपको पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपने क्या यूज किया कि आइसोसेलेस एंगल में क्या होता है कि जो साइड बराबर है उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये, दोनों आपस में बराबर। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो गया 70। पूछा यह गया है। तो 70 प्लस 70 कितना हो गया 140, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब 180 में 140 चला गया, कितना बचा 40 बचा, तो ये 40 आ गया, ये 40 आ गया, 40 आ गया। यहां तक क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन, यहां पे क्या गिवन दिया है कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है। क्या गिवन दिया है? ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ठीक है। और उसने गिवन दिया रेशियो ऑफ एंगल ए और एंगल बी, रेशियो ऑफ एंगल ए और एंगल बी है 1:2। एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है वो है 1:2, कितना है 1:2। एंगल ए और एंगल बी का रेशियो कितना है 1:2। बताना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा। देखो ए बी और ए सी बराबर गिवन दिया है, ए बी और ए सी बराबर गिवन दिया है, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो गिवन दिया है 1:2, कितना गिवन दिया है 1:2 रेशियो। तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि रेशियो भी उसने लगा दिया और साथ साथ में आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा दिया, और फिर ये फाइनली ये पूछ रहा है कितना होगा, बताइए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। वही ना अगर कोई सोच रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो आसपास कोई भारी चीज है उसको मान लो अपने। फाइनली क्या पूछा है? तीनों एंगल का सम, कुछ भी क्वेश्चन हो तीनों एंगल का सम तो 180 होगा ना। तो जो भी कंडीशन दे रहा है बस आपको फंसाने के लिए दे रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो भी कंडीशन दे रहा है आपको फंसाने के लिए दे रहा है, क्योंकि सम क्या होगा तीनों एंगल का 180। अगर आप दिमाग लगा रहे हो रेशियो 1:2 1x 2x 3x फलान x, तो आप फंस चुके हैं। देखो कोई 60 लिख दिया, खींचो इनका फोटो, खींचो भाई खींचो, नए हैं तो भाई माफी है इनकी, पुराने हैं तो इनकी FIR आज बनती है। देखो एक और 60 लिख दिया, खींचो फोटो, दो FIR पक्की हैं आज की। सबसे पहले आंसर अमन जी ने दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फंसाने वाला था, ये सब प्रॉपर्टी एपर्टी देना है फालतू का आपको, बस फंसाने के लिए, ठीक है। एट द एंड क्या था कि तीनों 45 सीटी डार्लिंग, ऐसा 45 गलत है सब, तीनों एंगल का सम कितना 180। वो तो सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी, फंसाने का क्वेश्चन था, छोड़िए इसको क्वेश्चन, है ना। अब जाने दीजिए, फंस गए ना। हाँ FIR बिल्कुल श्योर है इसमें, अरे गुनाह है। चलो अब मेरे को बताइए कि एंगल ए कितना होगा, एंगल ए कितना होगा, बताइए एंगल ए कितना होगा। हाँ थाने में बुला रहे हैं गलत आंसर वालों को, रिस्क होना चाहिए ना, रिस्क, नहीं तो आप तो कुछ भी आंसर दोगे।
चलिए क्वेश्चन चेंज कर दिया है, एंगल ए कितना होगा अब बताइए, एंगल ए 72 72 36 72 72 36 1:2 2 5 5, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 1x लिख रहे हैं, अरे मारो मुझे मारो, 1x क्या होता है भाई, प्रॉपर एंगल बताओ, एंगल प्रॉपर एंगल वैल्यू कितनी होगी। देखो x लिख रहे हैं मतलब कुछ भी, मतलब हम कोई भारी चीज मान लेना है अपने, मतलब x लिख रहे हैं आंसर, ये लिखोगे वैल्यू बताओ, वैल्यू कितना होगा एंगल में। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन से शायद दिमाग खुले, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 18 डिग्री, अब बताओ इन चारों में कोई एक होगा। माना कि आपका टीचर थोड़ा आलसी है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि आप हमसे बड़े बन जाओगे, मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हो, 1x x, थोड़ा मेहनत करिए। हाँ 36 करेक्ट आंसर, 36 करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अब देखिए सिंपल सी बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो ए और बी का रेशियो 1:2 है, तो ए अगर हो गया आपका एक्स 1:x x, तो बी कितना हो जाएगा 2x, 2:x 2x, अब ये दोनों साइड बराबर है तो ये अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो ये 2x, तो ये भी क्या हो जाएगा 2x, ये 2x, तो ये भी 2x हो जाएगा। अब इन तीनों का सम कितना होगा, तो x प्लस 2x प्लस 2x तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, तीनों का सम कितना 180 डिग्री, तो 2x प्लस 2x 4x, और 4x प्लस x कितना 5x, तो 5x इक्वल टू कितना, 5x इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। अब मम्मी कसम खा कह रहा हूं मैं कि इसको डिवाइड करोगे तो 36 आंसर आएगा, 5 से काटोगे 36 आएगा। अब a क्या है, x, तो 36 यहां पे a हो गया, कितना आ गया a की वैल्यू 36 डिग्री। यहां तक चीज क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम लोग जो इसका लास्ट, मतलब इस कैटेगरी का लास्ट ट्रायंगल उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कैटेगरी का जो लास्ट ट्रायंगल है, एंगल सी 2x, कैसे एंगल सी जी 2x ऐसे आया है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड और दो एंगल बराबर होते हैं, तो ये 2x था, ये 2x था, ये दोनों बराबर था, ये 2x था, तो ये भी 2x हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड बराबर, इसलिए 2x आया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए थर्ड ट्रायंगल, अभी थर्ड ट्रायंगल एक्चुअल में कहानी मेरे बारे में है, ये आपका स्केलेन ट्रायंगल, अगेन स्पेलिंग अपने रिस्क में लिखिएगा, स्केलेन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का क्या है कि इस ट्रायंगल में कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं है, सब अपने आप में अलग है, सब अद्भुत, तीनों साइड इसकी अलग अलग है, ठीक है, तीनों साइड अलग अलग है। ये वो है जो घर में एक बच्चा होता है नकारा, बच्चा नकारा, जैसे मैं नकारा टाइप से था कि ये क्या करेगा ये, ठीक है ना, और भी ऐसे लोग एग्जांपल सेट कर देते हैं, एग्जांपल ऐसे सेट कर देते हैं कि कोई भी कहता है कि ये कर लिया तो तुम तो कर ही लोगे, वैसा हो गया फिर ना। तो इसमें जो एरिया का फॉर्मूला है उसका नाम तो हीरोज फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको हीरो फॉर्मूला बोलता हूं क्योंकि ऐसे लोग कमाल कर जाते हैं, हीरो फॉर्मूला इसको बोलता हूं मैं।
मैं सच में पढ़ाई में क्लास 8 तक बहुत एवरेज था। क्लास 8 के बाद मुझे लगा यार कि नहीं यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। 9-10 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। क्लास 10th में मेरा स्टेट में पूरे 11th रैंक आया था। यूपी का मैं रहने वाला हूँ, वैसे मेरा होम स्टेट यूपी है, उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन 22 करोड़ है। अगर कंट्री बना दो उसको तो शायद चौथे नंबर पे आएगा वो वर्ल्ड में, चौथे या पांचवें पे। तो क्लास 10 में मेरी 11th रैंक आई। आपको लग रहा होगा सब लोग खुश हुए होंगे, नहीं, सब लोग सरप्राइज हुए थे, कहां से आ गया, मतलब कौन सी नकल मारी है इसने, क्योंकि मैं बहुत ही नकारा था। तो ऐसे लोग कुछ कर जाते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का, ये हीरो फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला सब में वैलिड होगा, सब में वैलिड, ये फॉर्मूला सब में वैलिड होगा। जो इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला था वो केवल इक्विलेटर ट्रायंगल में वैलिड होगा, केवल इक्विलेटर ट्रायंगल में वैलिड होगा जो इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो आइसोसेलेस में वैलिड रहेगा और इक्विलेटर वैलिड होगा। ठीक है ना, अच्छा उसका एरिया फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने अभी, उसको भी लिखवा दूंगा आइसोसेलेस का, अभी काम नहीं आएगा लेकिन उसका। और जो ये फॉर्मूला है आपका स्केलेन ट्रायंगल का, ये सब में वैलिड है, सब में वैलिड। एक और कमाल की बात बताएं कि मेरे को स्टेट की तरफ से अवार्ड मिला था, 15,000 रुपए मिले थे, 15,000 रुपए एक सील मिली थी, सील तो रखी है, 15,000 मिले थे, और एक वहां के जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पे उनका वो मिला था, मतलब प्रशंसा पत्र। वो बात अलग है कि एक या दो महीने बाद फिर वो जेल चले गए थे कोई घोटाले के चक्कर में, तो क्या फर्क पड़ता है ना, वो स्पोर्ट्स से मिला मेरे को तो उनका घोटाला, इसलिए मैं दिखाता नहीं वो प्रशंसा पत्र, आज वैसे डाल लूंगा आज फोटो ग्रुप में, तो फिर वो जेल चले गए थे, तो मैं इसलिए कहीं दिखाता नहीं हूं कि क्या मैं दिखाऊं कि मतलब कहां से मेरे को मिला है, तो होता रहता है सब चीजें। अभी कल मैंने भी ग्रुप में भी फोटो डाली थी मोस्ट करप्ट स्टेट की, तो उसमें भी हमारे स्टेट का नाम है। तो हम लोग हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग 22 करोड़ हम पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन भी है, पॉल्यूशन भी है ठीक ठाक, तो ऐसा है मतलब। ठुकरा के मेरा ये सब पिक्चरों में होता है भाई मेरे, पता नहीं आप। हाँ नहीं नहीं मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो ठुकराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब पहले ही से सॉर्टेड था कि अपनी राशि में कन्या ही नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की है तो बहुत ही मतलब बेहतरीन लाइफ गुजरी है। चलिए हीरो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये है एरिया इक्वल टू अंडर रूट के अंदर s ब्रैकेट में s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ब्रैकेट के अंदर s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये S क्या होता है, सबसे पहले तो S होता है सेमी पेरीमीटर। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर। अब जैसे मैं क्या करता हूं कि इनकी साइड बोल देता हूं, इसको मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा S, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 3। थैंक यू थैंक यू। तो S क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा S सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर एक ट्रायंगल में देता हूं जिसकी सारी साइड डिफरेंट है, आपको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, नहीं अभी हाफ बी इंटू एच पे आऊंगा मैं, आइसोसेलेस का एक और फॉर्मूला होता है हाफ बी इंटू एच, बताऊंगा मैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो आपका ट्रायंगल क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले S निकालना है सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का सम, अरे डिवाइड बाय 2 होगा, 3 कर दिया गलती से, डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस S की वैल्यू यहां पे रखनी है, फिर पहली साइड को S से माइनस करोगे, मल्टीप्लाई दूसरी साइड को S से माइनस करोगे, मल्टीप्लाई तीसरी साइड को S से माइनस करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा।
जुड़ने का ही सर का हर एक में बस हुआ है। पेपर्स भी देखो, मैकेनिकल ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक ट्रायंगल है, उसकी तीन साइड में लिखता हूं आपके सामने, एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरी है 6 सेंटीमीटर और तीसरी है 10 सेंटीमीटर। तीन साइड है 10 सेंटीमीटर, 8, 6, 10, तीन साइड मैंने गिवन दे दिया। आपको एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करिए। कल मैंने अच्छा वो भी पोस्ट डाला था आप लोगों को, किसी को मैं इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। जामिया का मैंने एक पोस्ट डाला था, वैसे मैंने जामिया से बीटेक किया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अभी शायद 1 या 2 साल पहले वो नंबर 1 पे भी आई थी, तो नंबर 1 तो चलो ठीक है, उसको साइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि उसमें एक RCA होता है, जो IAS जो सिविल सर्विसेज की तैयारी की कोचिंग होती है, RCA उसका डिपार्टमेंट का नाम है। बहुत बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, और वो स्पेशली है उनके लिए जैसे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और OBC हैं, या क्या नाम है, माइनॉरिटी हैं, है ना। जनरल के लिए नहीं है, मतलब जनरल के लिए, जैसे मैं जनरल में आता हूं तो मेरे लिए नहीं है, बट इट्स ओके, टोटली ऑलराइट। क्योंकि हाँ बाकी क्योंकि वो है ना कि जैसे बाकी लोगों को प्रमोट करने के लिए फ्री कोचिंग है, फ्री कोचिंग, और वहां पे हर साल 40-50 सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होते हैं, फ्री कोचिंग है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो लोग अपने आप को पुश करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूं कि जैसे अरुणाचल से इतना मेरा इतने दिन रहा, तो मेरा खुद का एक अटैचमेंट एक अच्छा है कि थोड़ा IAS वगैरह या IPS वगैरह और निकले अपने अरुणाचल से। सेंट्रल लेवल जॉब पे आपको और ज्यादा पुश करना है, जब आप निकलोगे ना तभी दूसरे आपके जो जूनियर हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनको एक मैसेज मिलेगा, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पे फिर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। अब सोच के देखिए इस चीज को। अब यहाँ पे कोचिंग वालों ने भी प्रमोट नहीं किया इस चीज को ज्यादा, है ना, वो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे वो लोग क्रैश कोर्स निकाल के स्टेट गवर्नमेंट को ही प्रमोट कर रहे हैं, वो गलत है। सेंट्रल फिर प्रेशर बहुत पड़ जाएगा, आप सोच के देखिए, क्योंकि आप एक एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, मान लो आपका एक साल नहीं निकला, आपका जूनियर भी आ गया, आप जूनियर भी कंपीट कर रहे हैं, आप भी कंपीट कर रहे हो, तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको भी पकड़ सकते हो, तो उसके पास एक मौका मिल गया। आप सोच के देखिए प्लीज, ये आपको सोचने वाली बात है, आप भी अपनी राह दीजिए। तो उसका जो लोग APCS की तैयारी कर रहे हैं, मान लो कोई APCS की तैयारी, वो लोग उसका दीजिएगा, क्योंकि उसको मिनी IAS बोलते हैं। वो एग्जाम निकालना जामिया का अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जामिया का वो एग्जाम निकालना RCA कोचिंग का बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप वो एग्जाम निकाल लेते हो तो समझो कि आपका सिलेक्शन फिक्स है, ये मेरी गारंटी, सिलेक्शन फिक्स है। तो इन केस किसी को भी, क्योंकि मेरा खुद का एक फ्रेंड उसमें है जो तैयारी कर रहा है, मतलब वहां पे उसका हो गया था, तो कोई भी अगर किसी को जानकारी चाहिए होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे कि वहां पे कैसे क्या है, कोई भी जानकारी मैं कनेक्ट करूंगा। तो मेरा पूरा ये है कि अगर कहीं से भी आपका बेनिफिट हो रहा है तो मैं उस चीज पे आपके साथ हूं। तो उसका भी फॉर्म आप भर सकते हैं, जो लोग जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं APCS की, उनका IAS IPS का मन है, तो उनको भी आप इस चीज का मैसेज दीजिएगा कि अगर जामिया के रिगार्डिंग, जामिया के जो RCA कोचिंग है, पूरी फ्री कोचिंग है, फ्री कोचिंग, और अलग एक पूरा बिल्डिंग है, अलग रहने का उनका है, 24 घंटे उनका रीडिंग रूम खुला रहता है, बहुत बढ़िया माहौल है। तो वहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, इन कंपेयर टू आप जाते हो अगर वहां पे करने, क्या नाम है, जो IAS की कोचिंग दिल्ली में है, वहां पे माहौल इतना अच्छा नहीं है, प्लस में वहां पे एक डिप्रेशन जैसा आ जाता है इतनी पब्लिक देख के। तो कोई भी और तैयारी कर रहा होगा तो आप उसको ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, जो मैंने पोस्ट डाला था वहां से भी आप मैसेज निकाल सकते हैं, वहां से मैसेज निकाल के उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा पेज से जाके। और कई लोग को वीडियो तक नहीं मिल पाती है, कल भी लास्ट क्लास में भी एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा मैसेज किया था, पेज लाइक तो कर लो, फिर आपको वीडियो तक नहीं मिल पाती है, फिर आप वीडियो में से मांगते हो, फिर तो बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं ना अगर मैं वीडियो, क्योंकि अगर पेज में है कंटेंट तो आप पीछे जाके कंटेंट निकाल सकते हैं। चलिए कितना आंसर आ रहा है, तो सबसे पहले एस निकाला आपने, एस कितना आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बताइए एस कितना आ रहा है आपका। तो तीनों साइड को प्लस किया तो 8 + 6 कितना 14, और 14 + 10 कितना 24 डिवाइड बाई 2 तो S कितना आ रहा है 8 + 6 + 10 डिवाइड बाई 2, तो S कितना हो गया 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर है, ये हो गया S ठीक है। अब एरिया,
अब एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एस, तो एस कितना है 12, 12 ब्रैकेट में 12 माइनस 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिख दिया। फिर 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 लिख दिया। फिर 12 माइनस 10, तो 12 में 10 गया कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब या तो सब मल्टीप्लाई कर दो और उसको बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, या तो फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज जैसे 12 को कैसे आप ब्रेक करोगे, 2 into 3 पे 12 को ऐसे ब्रेक करोगे, 2 × 4 और 4 × 3 = 12 प्योर हिंदी में, तो 12 आ गया। 4 को कैसे ब्रेक करोगे, 2 × 2 6 को कैसे ब्रेक करोगे, 2 × 3 एंड फाइनली 2 तो ये मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। क्लियर, 576 नहीं आंसर है, वो अंडर रूट के अंदर है जी, अंडर रूट के अंदर है, उसका रूट निकालना पड़ेगा आपको। अब देखो ये पेयर बना, पेयर से मैंने क्या कहा था एक बाहर आएगा, तो इससे एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, फिर एक ये पेयर बना, इससे भी एक 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया। अब एक चीज नोटिस करो, अब ये पेयर बन चुका है, ये 3 और ये 3 एक पेयर बना, ये दोनों 3 का एक पेयर बना, ये दोनों दूर दूर है, तो क्या फर्क पड़ता है, पेयर वाले दूर दूर से भी बन जाते हैं ना, आपको तो पता ही होगा। तो ये 3 और ये 3 एक पेयर बन गया, इससे एक 3 बाहर आ गया। फिर ये 2 और ये 2 ये तो पड़ोसी हैं, ये तो बन ही जाएंगे, तो पेयर इनका बन गया, इससे 2 बाहर आ गया। तो फाइनली क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 कितना, 12 × 2 कितना, 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। हाँ, 576 का रूट भी आपने निकाला तब भी आंसर सही आ रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलना है, इसलिए कई लोग इस माइंडसेट से आ रहे हैं, क्योंकि वही बात है ना, माइंड में चीज क्लियर हो चुकी है कि पहले हम कल पढ़ेंगे, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जब क्लास ओवर हो जाएगी तब सॉल्व करेंगे, ये माइंड से हटा दो। मैं जो ये क्लास ले रहा हूं ये प्योर रिविजन के हिसाब से ले रहा हूं, कि आपको फिर कई लोग ऐसे हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनके हिसाब से भी चीज हो रही है कि आप यहीं पर पढ़ो, यहीं पर सब सॉल्व हो जाए, फिर घर जाके कुछ और करो। तो कॉपी पेन बकायदा अलर्ट होके बैठेंगे तभी बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरा यही मकसद से क्लास ले रहा हूं, मकसद ही नहीं मैच कर पा रहा है हमारा आपका, तो कहां से बात बनेगी। ऐसा नहीं, बहुत से लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन मेरा यह रहता है कि अगर 100 है तो उसमें एक को भी नहीं समझ आ रहा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम की बात है। ऐसा नहीं कि 99 आ गया मैं तोप हूं, अगर एक को भी नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसके भी अपने सपने हैं। तो ये थोड़ी मेरे लिए एक नंबर है कि हाँ 90 देख रहा है, 100 देख रहा है, जितने भी देख रहे हैं तो वो एक सबके एक सपने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में इजी क्वेश्चन ही आपका है, कि साइड गिवन दिया है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल और उसका रेशियो गिवन दिया है 2:3:4, रेशियो कितना गिवन दिया है 2:3:4, ठीक है, और उसका पेरीमीटर गिवन दे दिया है, पेरीमीटर गिवन दे दिया है, पेरीमीटर है 225 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 225 सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया को रिपीट कर दो। अच्छा, वो लास्ट वाला क्वेश्चन वो तो चला गया जी, कोई नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, नॉन वरी, कोई दूसरा क्वेश्चन में समझा देंगे। अभी ये क्वेश्चन ट्राई करिए, साइड ऑफ अ ट्रायंगल का रेशियो गिवन दिया है 2:3:4, ठीक है ना, रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल कितना गिवन दिया है 2:3:4, पेरीमीटर कितना गिवन दिया है, पेरीमीटर कितना गिवन दिया है 225 सेंटीमीटर, आपको बताना है, आपको बताना है स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड की सबसे छोटी साइड जो होगी इसमें वो कितनी होगी, ये बताना है, स्मॉलेस्ट साइड
रेशियो कितना गिवन दिया, 2:3:4, पहली इंफॉर्मेशन माइंड में छपनी चाहिए। दूसरी क्या, पेरीमीटर कितना 225, दूसरी इंफॉर्मेशन माइंड में छपनी चाहिए। तीसरी चीज क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा वो बताना है। चलिए, मैंने बोला था अगर आप आंख बंद करके भी कोई आपसे पूछ दे, आप आंख बंद भी किए हो, कि साइड का रेशियो गिवन दिया है, कहीं पर भी रेशियो गिवन दिया है, आपको क्या करना है, सीधे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। तो अच्छा, एक आंसर आ भी चुका है, 59, बिल्कुल सही आंसर है जी, बिल्कुल सही आंसर। कोई जल्दी करता है, कोई स्लो करता है, इससे भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम करो, लेकिन हाँ ट्राई करो, मेहनत कर रहे हो तो आप मेरे लिए हीरो हो। आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो मेरे को वो चीज नहीं है, सिलेक्शन तो हो ही गई जिस दिन आप काबिल हो जाओगे। और सिलेक्शन ऐसा लेना, ऐसा नहीं कि तुक्के में सिलेक्शन हो गया, ऐसा लेना है कि कभी भी एग्जाम हम देंगे हमसे हो जाएगा, ऐसा ये एटीट्यूड के साथ मेहनत करते रहो बस। 50 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 50 बिल्कुल सही है। फिफ्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ठीक है, 50 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, इन केस किसी को परेशानी थी सॉल्व करने में तो वो मेरे साथ ट्राई करेगा, है ना। सबसे पहले रेशियो कितना गिवन दिया है साइड का, 2:3:4, अब मेरे साथ साथ ट्राई करिए आप, देखिए कैसे बनेगा। रेशियो कितना गिवन दिया है, 2:3:4, तो एक साइड क्या हो गया 2x, एक हो गया 3x, एक हो गया 4x। जो रेशियो गिवन दिया उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x, 3x, 4x, ये हो गया रेशियो, ठीक है। पेरीमीटर कितना गिवन दिया था, 225, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो गया 225, तीनों साइड का सम कर दिया, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आई कॉन्ट सॉल्व इट, कोई बात नहीं। अब आप करिए, तीनों साइड का आपको गिवन दिया था, तीनों साइड आपने क्या किया, उसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई किया, तो 2x, 3x, 4x, तीनों साइड आपकी मिल गई। अब बोला है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम, तो 2x, 3x, 4x तीनों का सम कर दो प्लस, और वो कितना हो गया 225। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, इनको प्लस किया तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, तो 9x कितना हो गया 225, तो x कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 9। अब 9 से आपको कट करना है, कितना हो जाएगा, तो 9 से कट किया तो 2 टाइम में कितना हो गया 18, बचा 4, 22 में 18 गया 4, 4 5 45, 5 टाइम में 45, तो x कितना आ गया 25। और सबसे छोटा इसमें क्या है 2x, सबसे छोटा क्या है 2x, तो 25 को उठा के यहां पे पुट कर दो, तो 2 × 25 कितना हो गया 50, 2 × 25 कितना हो गया 50, तो 50 सेंटीमीटर आ गई आपकी सबसे छोटी साइड। चलिए, अब क्लियर है, जितने लोगों को परेशानी हुई थी अब क्लियर है, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, अब क्लियर है। अगर अब क्लियर है तब भी बात ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग दे रहा हूं, अगर अब भी क्लियर हो गया है तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए, करके जाना है। जिद्दी बनो जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसी टाइप से क्वेश्चन और ले रहा है, कि यहां पे जो रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स गिवन दिया है 14:18:26, ये रेशियो गिवन दिया है 14:18:26, ये आपको रेशियो गिवन दिया है। और पेरीमीटर गिवन दिया है, पेरीमीटर गिवन दिया है 580 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन दिया है 580 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है लार्जेस्ट साइड
और स्मॉलेस्ट साइड में डिफरेंस कितना है, लार्जेस्ट साइड माइनस स्मॉलेस्ट साइड, दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो बताना है आपको। क्या बताना है? लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड में डिफरेंस क्या है वो बताना है। डिफरेंस क्या है ये बताना है। रेशियो गिवन दिया 14:18:26, पेरीमीटर गिवन दिया, आपको बताना है डिफरेंस। जिनसे नहीं बनाता वो ट्राई करेंगे, जिनसे बन गया वो जल्दी निकालेंगे। उनके लिए सेम क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब उनकी स्पीड चेक हो रही है, स्पीड पे काम हो रहा है उनके, वो लोग जल्दी निकालेंगे। उनसे आंसर जल्दी चाहिए मेरे को, और जिनसे नहीं बनाता वो लोग ट्राई करेंगे। 120 एक आंसर आ भी गया है, 122 आंसर आ चुके हैं, 122 आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर 120 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। 120 सही है जी, 260 नहीं जी, 120 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। और जिनसे नहीं बना था वो लोग ट्राई करें, वो लोग क्या बता रहे हैं आंसर, 120 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्पीड सही आ रही है, स्पीड सही जा रही है, यही मेंटेन करो, स्पीड सही जा रही है। देखो समझो, अब वो नहीं है टाइम कि मैथ आ गई है, बहुत है आना, इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी करना इंपॉर्टेंट है, जल्दी करना। तो लेवल बढ़ाने की जरूरत है, लेवल बढ़ाने की हमको, जल्दी करना इंपॉर्टेंट है, और जल्दी करने में भी आंसर सही लाना इंपॉर्टेंट है। तीन स्टेप चलो, सबसे पहला आना, जब वो हो जाए तो जल्दी करना, और तीसरा स्टेप क्या है, जल्दी करने में भी आपकी एक्यूरेसी नहीं बिगड़नी चाहिए कि आप जल्दीबाजी में आंसर गलत हो रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना। और जिसने इन तीन चीजों पे कमांड किया, तीन चीजों पे जिन पे काम करना मेरे को खुद, तीन चीजों पे जिस पे कमांड हो गई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तीन चीज पे कमांड हो गई, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल आसान चीज हो गया, इन तीन चीज पे कमांड हो गई बस। वन ट्वेंटी करेक्ट आंसर, ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले सिंपल सा वही क्वेश्चन है, 14, तो क्या हो गया 14x, फिर क्या हो गया 18x, फिर क्या हो गया 26x, तीनों साइड हो गया, उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तीनों का सम, सम क्यों किया, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, साइड का सम। चलो प्लस करने की बारी आ रही है, तो 14+18 कितना होता है 32, 14+18 कितना होता है 32, और 32+26 कितना होता है 58, तो 58x इक्वल टू कितना, नहीं गलत हो गया क्या, अच्छा 580 है ये, सॉरी 580 है, इक्वल टू कितना 580, तो x कितना हो जाएगा 580 डिवाइड बाय 58, कट करके कितना हो गया 10, x की वैल्यू कितनी हो गई 10। कितना हो गया 10, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में डिफरेंस, तो सबसे बड़ी क्या है 26x, सबसे छोटी 14x, आंसर डिफरेंस कितना आ रहा है 12x, x कितना आया 10, तो 12 × 10 कितना आ गया 120 आंसर, 120 सेंटीमीटर आंसर, 120 सेंटीमीटर आंसर डिफरेंस आ गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए, अब जैसे मैंने यहां पे आपको पूरा यहां पे साइड के बिहाब पे हो गया आपका, साइड के बिहाब पे क्या क्या क्लासिफिकेशन हो गया साइड के बिहाब पे, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखूंगा मैं, तो साइड के बिहाब पे हो गया। नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होगी कल जो होगी सेम टाइमिंग, उसमें एंगल के बिहाब पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, एंगल के बिहाब पे, एंगल के बिहाब पे देखेंगे। प्लस में जैसे एक स्टूडेंट ने बात रखी थी और वैसे भी मेरे को पढ़ाना भी था, वो ट्रायंगल में दो चीजें और होती हैं मेंसुरेशन के अलावा। अब क्योंकि मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं तो साथ साथ में प्रॉपर्टी भी पढ़ाता चलूंगा, वैसे वो प्रॉपर्टी में आ जाता है, साथ साथ प्रॉपर्टी पढ़ाता चलूंगा मैं। तो उसके अलावा क्या इसमें रहता है, सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी, और दूसरा होता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, वो हो जाता है आपकी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी यह आ जाता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है।
इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रॉपर्टी में आ जाता है ना। मेंसुरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एरिया पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपर्टी में हम लोग ये चीज सीखते हैं, ठीक है ना। तो कल जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो पहले मैं आपको एंगल के बिहाफ पे क्लासिफाई कराऊंगा, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग पहले तो एक मुद्दा समझो, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये चीज मेरे को डिस्कशन हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग ये माइंड लेके आओ कि मेरे को यहीं पे सॉल्व करके जाना है, मेरे को बाकी टाइम पे कुछ और पढ़ना है। मैं इस हिसाब से तैयारी करा रहा हूं आपकी रिवीजन जो क्लास चल रही है, कि आपको इसी में मैं जो क्लास चल रही है उसी में आपको सॉल्व कराना सिखा रहा हूं, उसी पे आपकी स्पीड पे भी काम हो रहा है। जैसे यूडीसी का एग्जाम हुआ था, मैंने स्टूडेंट से बात किया, क्योंकि मेरी ऐसा कोई एक फिक्स मेरी कोई ना पॉलिसी होती है ना कोई मेरी फिक्स स्ट्रेटजी होती है, जो स्ट्रेटजी स्टूडेंट के काम आए वही स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, जो काम नहीं आया तो क्या फायदा। तो मेरी सारी स्ट्रेटजी आपके हिसाब से चेंज होती रहती है, जैसे आपको जरूरत हुई उस हिसाब से रखा, नहीं फिट बैठ रहा है तो उसको हटा दिया, सिंपल। तो आप ये माइंड मेकअप करके आइए कि आपकी जो क्लास होगी यहीं पे आपको सॉल्व करना भी सीखना है, आपकी स्पीड पे भी यही काम होना है। तो ये माइंड मेकअप करके चलिए आप प्लीज, क्योंकि अगर आप ये माइंड में लेके चल रहे हैं, जैसे होता है कि हम कोचिंग जाते हैं वहां पे कल पढ़े, घर आके रिवाइज करेंगे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने पास टाइम इतना नहीं है, समझो। अगर आप टाइम लिमिट समझो, अपने पास ना टाइम नहीं है, अपने को यहाँ पे स्पीड पे भी बढ़ाना है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, जो गलतियां होती हैं मैं उस पे भी करेक्ट कराऊंगा। तो आप इस हिसाब से क्लास के लिए आइए कि आपको इन तीनों चीज पे काम करना है। कौन कौन चीज पे, एक तो आपको आना चाहिए, वो आना जब आने लगे आपको कि हाँ मैथ आपको आने लगी है, फिर आपको तेजी से करना है, स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे जब आप काम करेंगे तो गलतियां आपसे खूब होंगी, वो गलतियां रिपीट ना हो, है ना। तो उसमें आपको एक्यूरेसी, उसमें आपको समझाऊंगा मैं कि कहां गलतियां हो सकती हैं कहां नहीं हो सकती हैं, उस पर काम होगा। इन तीनों चीज जब आपको कंट्रोल में आ जाएगा तब आपके लिए मैथ बहुत नॉर्मल हो जाएगी। इवन आप एपीपीएससी लेवल के मैथ करो, कोई नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया दिया कि अब जितने सेंट्रल लेवल के एग्जाम भी आ रहे हैं आपको प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए भी आप पार्टिसिपेट करो। आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं उसके लिए मौजूद हूं, आप उस पर पार्टिसिपेट करो। आप आगे आने वाले जो जूनियर्स हैं उन पे आपको प्रेशर नहीं बनना है, उनके लिए आपको एक इंस्पिरेशन बनना है, ठीक है ना। तो दोनों चीज का आपको इस चीज को लेकर चलना है, क्लियर। जहां पे भी आपको जो हेल्प जरूरत है आप लोग बताएं, उस चीज को अवेलेबल कराया जाएगा। अगर हम लोग साथ मौजूद नहीं है तो उसको अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन हाँ आपके साथ हम लोग हैं ये चीज की गारंटी है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। नो एक्यूरेसी स्पीड, बिल्कुल अच्छा इन्होंने फॉर्मूला बना दिया, के एस कास एक फॉर्मूला बना दिया, बिल्कुल सही। या आप ऐसे बोल दो, कॉन्सेप्ट पहले, कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी स्पीड, नहीं कॉन्सेप्ट स्पीड एक्यूरेसी, सीएसए, पहले कॉन्सेप्ट सीखा फिर स्पीड पे काम किया फिर एक्यूरेसी पे, सीएसए, ठीक है। चलिए तो आई होप ये क्लास आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पे, हैप्पी सोलोंग। थोड़ा सा बताइए क्या होता है फेस्टिवल, मेरे को भी जानना, मैं बहुत ही क्यूरियस रहता हूँ चीजों के लिए। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी। क्या होता है फेस्टिवल? थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी मैं दिल्ली में हूँ भी, इवन मैं ये भी चीज कह रहा हूँ, इन केस किसी का भी कोई काम दिल्ली से पड़ेगा ना, कोई भी और भी काम, किसी का बहन का ड्यू एडमिशन होना है, भाई का भी होना है, और भी स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आता रहता है, तो कोई भी ऐसा काम है तो मैं आपके साथ हूँ एज ए हेल्पिंग पर्सन। अच्छा जी, तो मेरी तरफ से आप सब आदि ट्राइब के लिए इस फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब एंजॉय करिए आप लोग। चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।